स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू कंप्लीट रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 एंड हियर क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब जो फिगर्स दिए हैं उसमें हमें एक्स जहाँ पर भी लिखा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये जो हमारा फिगर है उसमें यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल है, यहाँ 130, यहाँ 120 और यहाँ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एंगल सम। अलग अलग फिगर्स जैसे ट्राइंगल का 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल्स का 360 होता है, तो ऐसे करके हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, फोर साइड्स वाला क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था, तो फोर साइड का क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहाँ पर द एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 है, जो कि हमें पता ही है। तो अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है बस, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें एंगल सम पता है क्या है, तो एंगल सम क्या होता है, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर एंगल कितने, 1, 2, 3 और 4 है। फोर एंगल है तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360। नाउ एंगल फर्स्ट हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ 50 से स्टार्ट कर देते हैं। तो एंगल 1 जो है वो 50 हो गया, सेकेंड जो है वो हमारा 130 हो गया, फिर उसके बाद जो है हमारा 120 हो गया, और जो फोर्थ है वो हमारा एक्स हो गया। और क्या हो गया, ये इज इक्वल्स टू 360। अब हमें इन तीनों को प्लस करना है, तीनों को हमने प्लस किया तो ये कितना हो गया, 100 और 100, 200, 250, और ये दोनों मिला करके हो गए 300। तो यहाँ 300 हो गया हमारा सम, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। अब ये 300 जो है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या होता है, साइन जो होता है चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस 300 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 60। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड फिगर हमारा ये वाला है। अब इसमें हमें यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, 70 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर हमारा एक्स है, और यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है। तो हमने इससे क्या मान लिया कि ये एक्स है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला हमें पता है कि 90 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर है, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब जहाँ पर 180 डिग्री का क्या बनता है, 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल बनता है। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो हमने यहाँ पर वो भी एक्सप्लेन कर दिया है कि 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री प्लस ए जो है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। सो ए की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 90 डिग्री हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री आ गया दोनों। अब हम जो है यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, फोर साइड है, तो ये वापस से क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है। तो हम इसका, अब क्वाड्रिलेटरल है तो इसका अब सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा एंगल अभी पता आया था हमने, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम क्या होता है, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अभी हमने बताया था 360 होता है। तो यहाँ पर अगेन एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल्स टू 360। अब एंगल ए हमने यहाँ पर कहीं से भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ एक्स से स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 जो है वो एक्स हो गया, 2 हमारा 90 डिग्री अभी हमने फाइंड किया, 3 हमारा 60 डिग्री हो गया, और फोर्थ वाला हमारा 70 डिग्री हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 360। 60 एंड 90 इज इक्वल्स टू 150, 150 में हमने 70 प्लस किया तो 220। तो x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पर हमारा x एज इट इज रहेगा, ये ट्रांसपोज होकर वहाँ चले जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 360 माइनस 220 दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये एक जो फिगर दिया है, वापस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये यहाँ पर दोनों x है, मतलब ये वाला जो साइन होता है वो इक्वल का होता है। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है वो दोनों इक्वल है। ये वाला 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमें 70 डिग्री दिया है और यहाँ पर 60 दिया है, मतलब कि इंटीरियर एंगल हमें दिए नहीं है। तो हमें यहाँ के भी फाइंड करने, अभी मैंने आपको लास्ट वाले समय बताया था कि जहाँ पर भी 180 डिग्री, जहाँ पर भी स्ट्रेट एंगल बनता है इस टाइप से, तो वो 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है अगर ये 70 है, तो हम 180 में से अगर 70 को माइनस कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही हम यहाँ 180 में से अगर 60 माइनस कर देंगे तो हमें बी की वैल्यू पता चल जाएगी।
तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 70 प्लस ए इज इक्वल टू 180। अभी मैंने आपको बता दिया लीनियर पेयर था, तो 180 पूरा ये 180 होता है, तो 180 में से 70 माइनस किया तो 110 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 180 में से अगर 60 माइनस कर दिया तो 120 आ जाएगा। तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली लीनियर पेयर के थ्रू। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पर 110 आ गया, यहाँ पर 120 आ गया, ये हमें पता चल गया दोनों एंगल। तीसरा हमें पता ही था, और ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। तो अब हम इसमें वापस से एंगल्स हम निकालते हैं। तो अब यहाँ पर कितनी साइड वो हमें पहले देखना होगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 साइड है, दैट मीन्स ये क्या है, पेंटागन है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले हम क्वाड्रिलेटरल का लगा रहे थे, 4 साइड थी, तो अब हमें पेंटागन का लगाना पड़ेगा। तो एंगल सम ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू, अब पेंटागन का कितना होता है, 540 होता है। अगर हमें अगर 540 नहीं भी पता है तो अभी कैसे फाइंड करना है वो मैं बता दूंगी, ये हो जाए कंप्लीट उसके बाद। अब अगेन हमें पता ही है कि 5 इसमें एंगल्स है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 540। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम एंगल 1 की करी यहाँ से हमने, तो ये 30 से स्टार्ट कर देते हैं। तो एंगल 1 हो गया 30 डिग्री, एंगल 2 हो गया हमारा एक्स, एंगल 3 हमारा हो गया अभी जो हमने फाइंड किया था ए की वैल्यू 110, एंगल फोर्थ जो हो गया वो हमारा हो गया 120 डिग्री, एंड एंगल फिफ्थ जो हो गया हमारा अगेन एक्स हो गया, एंड ये सब इक्वल हो गए 540 के। हमने यहाँ प्लस कर दिया तो 110 और 120, 230, और ये प्लस किया तो 260 हो रहा है। 260 में हमने क्या प्लस कर दिया, यहाँ पर एक्स और एक्स मिलाकर हो गए आपके 2x, एंड इज इक्वल्स टू 540। 540 हो गया, अब 2x एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना रहती है, तो हम उसको अपनी जगह पर स्टे वहीं पर रखते हैं और जो ट्रांसपोज कर देते हैं अदर नंबर्स को। तो यहाँ पर 540 था, ये यहाँ पर 260 माइनस हो जाएगा, तो 260 हमने माइनस कर दिया, 4 में से 6 जाता नहीं है, 8 हो गया यहाँ पर 14 में से, और यहाँ पर हो गया 4 में से 2 गए तो 2। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू हमारी आ रही है 280, बट हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर ट्रांसपोज किया तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 4 8 एंड 0 एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 140, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो 140 डिग्री के हैं। हम चेक भी कर लेते हैं, हाँ 140 आ रहा है। अब हमें पेंटागोन, सपोज़ जैसे ट्राइंगल के तो हमें 180 याद ही रहता है, और क्वाड्रिलेटरल भी याद हो जाता है कि उसका डबल 360 होता है, बट हमें पेंटागोन हेक्सागोन के नहीं याद है। तो अगर हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं, तो हमने सम करे थे जिसमें हमें एंगल सम फाइंड करने थे, तो हमें मैंने आपको बताया तो फॉर्मूला होता है एन माइनस टू इंटू 180। हम इसमें अगर हमारे पास साइड है तो हम निकाल सकते हैं एंगल सम। तो यहाँ पर जैसे पेंटागोन की 5 साइड होती है, तो हमने 5 लिखा, 2 यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया 180 से, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, 3 इंटू 180, तो 18 3 54, और 0 एज इट इज़। तो यहाँ पर हमने पेंटागोन के हम कॉर्नर पे रफ में जो भी है, अगर हमें एंगल सम निकालना है किसी भी फिगर का, तो हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, यहाँ पर क्या है, ये 1 2 3 4 5, 5 साइड वाला एक फिगर है, दैट मीन्स पेंटागोन है, और ये सब ये जो साइन दिया हुआ है इसे, तो इसे इसका क्या मतलब होता है कि इक्वल है, तो इसका मतलब ये सब इक्वल है, और यहाँ पर एक्स 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 हमें फाइंड करने, मतलब कि ये सब इक्वल है तो सारे एंगल बराबर है, हमें पेंटागोन के सारे एंगल बराबर है, तो हमें इसका एक एक भी एक्स निकालेंगे तो सभी का आ जाएगा। तो अभी हमें पता है, वी नो दैट द गिवन फिगर इज़ रेगुलर पेंटागोन। रेगुलर का मतलब क्या होता है, कि जिसके सारे एंगल और सारी साइड इक्वल होती है, तो रेगुलर पेंटागोन है। और अभी हमने पढ़ा ही था अभी लास्ट वाले सम में कि पेंटागोन के जो सम होता है, एंगल सम होता है, वो कितना होता है, 540 होता है। तो बस अभी हम जैसे पहले वाले सम कर रहे थे पेंटागोन का, वैसा हम करेंगे। तो यहाँ पर पेंटागोन का जो है आपका एंगल सम ऑफ पेंटागोन 540 होता है, तो यहाँ पर सब 1 2 3 4 5 एंगल्स लिख देंगे हम। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 दैट इज इक्वल टू 540। वैल्यू सभी की एक्स ही है, तो हम एक्स एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर 5 टाइम हमने x लिख दिया, और ये 540 x x को प्लस करेंगे तो हमारे कितने हो गए, 5 टाइम है तो 5x हो गए, 5x इज इक्वल टू 540। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 5 1 5, 4 आता नहीं है टेबल में तो 0 पुट करेंगे, और यहाँ पर 5 8 40, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी आ रही है 108। तो रेगुलर पेंटागोन अगर होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक एक एक्स की आ जाएगी 108, यहाँ पर आ गई 108 ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर 30 डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ है, और हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, अब इसमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, अगर जो भी हमें दिया है। तो यहाँ पर हमें एक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पर हमें वाई भी दिया हुआ है, हमें जेड भी दिया हुआ है, हमें तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो अभी आप थोड़ा सा अगर वापस से बैक में जाएं तो हमने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जहाँ भी लीनियर पेयर होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें ये लीनियर पेयर दिख रहा है और हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि लीनियर पेयर है। इसका मतलब कि लीनियर पेयर से हम जेड और एक्स की वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे, बाकी हमारी बची वाई की वैल्यू वो हम बाद में देखते हैं। तो पहले हमने लीनियर पेयर से फाइंड कर ली कि जेड ये वाला जो जेड और 30 इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 180 होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो हमने ये जेड को एज इट इज़ रहने दिया, 180 में से इस 30 को माइनस कर दिया तो 180 माइनस 30 दैट इज़ इक्वल टू 150। तो लीनियर पेयर से यहाँ पर ही आ गया 150। ये 90 था और वो टोटल 180 होता है तो ये भी 90 होगा, 180 माइनस 90 दैट इज़ इक्वल टू 90। तो अब हमें एक्स और जेड की वैल्यू तो पता चल गई, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि हमें पता है कि ये क्या बन रहा है, एक अंदर वाला जो है वो ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है हमें ये वाला 90 30 और ये जो तीसरा एंगल यहाँ पर अंदर होगा तो ये एंगल जो होगा अंदर वाला तो ये तीनों मिला करके क्या होंगे, अभी मैं इसको ए नाम दे देती हूँ। तो ये ए 90 और 30 ये तीनों को मिला करके एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, ए प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तीनों ट्राइंगल है। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को हमने प्लस किया, 9 प्लस 2 12 तो ये हमारा 120 हो गया, यहाँ पर हो गया 180। तो यहाँ पर 180 में से हमने क्या किया, ये 120 को ट्रांसपोज किया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। मतलब कि ए की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 60 डिग्री हो गई। तो अगर हमारी ए की वैल्यू अगर 60 आई है, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी है, ये जो है हमारी ए की वैल्यू वो 60 है अगर, तो वाई की वैल्यू हम इस लीनियर पेयर से वापस से निकाल सकते हैं कि लीनियर पेयर में 180 होता है, ये 60 है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो वाई हमारा 120 आ जाएगा। जैसे अभी पहले हम कर रहे थे ए की तो वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। वाई को हम यहीं रखते हैं, 180 को भी वहीं रखेंगे, 60 हो जाएगा यहाँ पर जाकर ट्रांसपोज, तो माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 120। तो वाई की वैल्यू हमारी 120 एक तो इससे आ गई कि हमने ट्राइंगल वाली जो प्रॉपर्टी वो वाली पुट कर दी, और एक और प्रॉपर्टी होती है वो होती है एक्सटीरियर एंगल सम की प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर मतलब बाहर के, जैसे ये वाला बाहर का है, ये वाला बाहर का, ये बाहर के, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी फिगर हो, कोई भी ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो, डेकागन, कुछ भी हो, बट उसमें क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल सम जो होता है वो होता है 360। तो 360 होता है, तो उससे अगर हम करना चाहें तो एक्स जेड इन दोनों की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। एक्स की कितनी है हमारी, एक्स की वैल्यू है 90 डिग्री, जेड की वैल्यू हमारी 150 है, ये वाली जेड की 150। तो इन इसको दोनों को रखें हम और वाई को इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल तीनों का कितना होना चाहिए, 360। तो हम यहाँ पे एक बार करके देख लेते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल जेड प्लस एंगल एक्स जो है हमारा वो हो गया, एंगल जेड हो गया और एंगल वाई हो गया, तीनों को मिला करके 360 बनना चाहिए। अब x और z की वैल्यू हमारे पास है, x की है 90 और z की है हमारे पास में 150 और y की हमें फाइंड करनी है। तो ये हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 95 हो जाएगा 4, तो ये 240 हो गया हमारा। 240 प्लस y इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट में y क्या करा, यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो 360 में से अगर 240 माइनस करा जाएगा तो आ जाएगा 120। तो आंसर हमारा दोनों से सेम ही आएगा, बट अब हमारे ऊपर है कि हम एक्सटीरियर वाली लगाते हैं कि ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो भी आपको पुट करनी हो कर सकते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का बी वाला है। तो इसमें क्या है, ये आपको दिख रहा है सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 1 2 3 एंड 4 साइड्स है इसकी। अब इसमें हम सबसे पहले लीनियर पेयर कॉमन है, हमें पता है 180 होता है लीनियर पेयर में सम जो होता है, तो ये हमें दिख रहा है लीनियर पेयर है, ये भी हमें दिख रहा है लीनियर पेयर है और ये भी लीनियर पेयर। तो हम सबसे पहले एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है, 180 माइनस 120 दैट इज 60। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। फिर हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये पता है हमें कि ये 180 होता है, 180 में से हमने 80 माइनस कर दिया तो y की वैल्यू हमारी आ गई 100। फिर यहाँ पर हमारे z की वैल्यू, तो 180 डिग्री होता है, 180 में से 60 माइनस करा तो क्या हो गया, 120 डिग्री। तो हमारे पास x, y, z तीनों की वैल्यू तो आ गई, अब हमें फाइंड करना है z की w की वैल्यू। तो w की वैल्यू अगर हम चाहें तो एक्सटीरियर एंगल से कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल अभी मैंने बताया कि एक्सटीरियर यानी बाहर वाले एंगल्स का सम कोई भी फिगर हो उसका 360 होता है। तो एक्सटीरियर एंगल सम अगर प्रॉपर्टी देखते हैं हम तो उसमें क्या होता है, 360 होता है। तो उसमें 360 में x प्लस y प्लस z प्लस w दैट इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पर x y z की वैल्यू हम अभी हमने फाइंड करी, उससे हम लिख देते हैं
और यहाँ पर w एज इट इज़, और यहाँ पर 360, तो ये प्लस किया हमने तो 100, 200, 260 और 280 हो रहा है। तो 280 प्लस w इज इक्वल टू 360, यहाँ पर w एज इट इज़ रहेगा, 360 एज इट इज़, 280 यहाँ पर जा करके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर w की वैल्यू क्या आ गई, 0 एज इट इज़ हो गया, और 0 माइनस 0 दैट इज़ 0, एंड 6 माइनस 8 नहीं होगा तो कैरी किया तो 16 माइनस 8 दैट इज़ इक्वल टू 8। तो w की वैल्यू हमारी आ गई, जब एक्सटीरियर एंगल सम से हमारी आ गई w की वैल्यू 80। बट अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगाएं तो फिर हम क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम क्या होता है, 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का, तो हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं। उससे कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल सारे 1, 2 और 3, 4 एंगल्स हैं, तो 4 हैं उनका कितना सम होगा 360। अब यहाँ पे पहला कौन सा है 120, दूसरा कौन सा है हमारे पास 80 डिग्री, थर्ड वाला जो है हमारे पास 60 डिग्री है ये रहा, और फोर्थ वाला हमें फाइंड करना है। तो हमारा फोर्थ हो गया ए दैट इज़ इक्वल टू 360, प्लस किया इनको तो 120 में 80 प्लस किया 200, तो ये हो गया हमारा 260 प्लस ए इज़ इक्वल टू 360। ए की वैल्यू क्या आ गई, 360 माइनस, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया 260, तो ये ए की वैल्यू आ गई हमारी 100। ए की वैल्यू अगर हमारी ये 100 आ गई, तो अब हम इससे लीनियर पेयर के थ्रू हम W की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है टोटल 180 होता है, तो A की वैल्यू अगर हमारी 100 है तो W की हमारी 80 आनी चाहिए, जो कि हमारी पहली एक्सटीरियर से आ चुकी है। अब हमारी मर्जी है कि हम इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। मैंने कौन सी करी है, मैंने ये एंगल सम वाली करी है कि ऑल इंटीरियर एंगल 360, तो पहले उसमें A की निकाल ली, देन लीनियर पेयर से निकाल ली, क्लियर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, वी हैव टू फाइंड x प्लस y प्लस z प्लस w, तो हमने x y z सबकी वैल्यू लिख दी और उनको 360 हो रहा है। अब क्यों हो रहा है 360, क्योंकि x y z और w ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, तो एक्सटीरियर एंगल सम वैसे भी हमें पता है 360 होता है, तो वही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि 360 होता है। और ऐसे ही जो पिछला वाला सम था हमारा लास्ट सम, उसमें भी हमें x प्लस y प्लस z फाइंड करना था, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू वहाँ पर भी 360 आ रही थी, मतलब कि वो वहाँ पर ट्राइंगल था, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है। मतलब इससे हमें ये प्रूफ तो हो गया कि एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 360 होता है, वो भले ट्राइंगल हो या वो क्वाड्रिलेटरल। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। आप नीट एंड क्लीन तरीके से लिख लीजिएगा। थैंक यू।